रोहतक में बीते 5 मई से लापता मगदौली गांव के 25 वर्षीय रविश का शव खेतों से बरामद हुआ है। रविश 5 मई को किसी काम के चलते घर से निकला था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। परिजनों ने काफी तलाश के बाद सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद आज दोपहर परिजनों को सूचना मिली कि रविश का शव खेतों में पड़ा हुआ है। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। रविश मेरा भाई था, जो 5 तारीख से लापता था, शाम से लापता की रिपोर्ट लगवाई थी, उसके बाद आज ये मिला इधर खेत में। कितने भाई थे? दो। कौन से नंबर का था? मैं बड्डा हूँ जी, वो छोटा। कितने साल की उम्र थी, क्या करता था? उसकी उम्र थी 24-25 साल की। क्या काम करता था? काम तो जी अपने घर में खेती बाड़ी करवा लेता। ये परसों सूचना मिली थी जी, रविंद्र पुत्र सतीश, उम्र 24 साल, 5 तारीख से गायब था एक लड़का मगड़ोली कला से, और उसकी आज डेड बॉडी मिली है मगड़ोली के खेतों में। तो प्राथमिक जांच में क्या लगा? प्राथमिक जांच में तो फिलहाल फसल टीम से मुआयना करवाया है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे, आगे जैसी सूरत हुई कार्रवाई मल में लाई जाएगी। तो परिजनों ने कोई शिकायत दी है जिसमें किसी गुमशुदगी का केस दर्ज है थाना में, बाकी फिलहाल घरवालों ने किसी पर कोई ऐसी शक नहीं जताया। ये हत्या है या फिर रमेश के साथ कोई हादसा हुआ है, इसकी छानबीन पुलिस ने शुरू कर दी है। परिजनों ने किसी पर भी हत्या या फिर किसी भी रंजिश की आशंका नहीं जताई है, लिहाजा पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि ये पता चल सके कि रमेश की मौत कैसे हुई और किन हालातों में हुई। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।